काम कर रही और आगे भी करेगी। ठीक, आप रहिए जरा सा। देखिए, इस मामले में पुलिस ने विदेश से फंडिंग होने का शक भी जताया है, जैसा अजीत भी कह रहे हैं। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर जानकारियां जुटाई जा रही हैं, इन्हें फंडिंग कहां से होती थी और इनका मकसद क्या है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इनसे पूछे जा रहे हैं। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। अजीत, ये धर्मांतरण का काम कब से चल रहा था, क्या जानकारी अभी पुलिस की तरफ से मिल पाई है, कितने लोग, कितना बड़ा गैंग ये हो सकता है, जरा ये भी स्थिति क्लियर कीजिएगा, और यूपी के अलावा कहां कहां इनके तार फैले हुए थे? देखिए, बिल्कुल, इनके तार बाकायदा कहा जा रहा था हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, मथुरा, नोएडा, कई सारी जगह थे। इनके टारगेट पर गरीब हिंदू थे और ये पिछले कई सालों से, लगभग 4 सालों से ये रैकेट सामने आया है। हालांकि एटीएफ ने इस बात को जरूर कहा कि अभी हम इसमें और तथ्य में जाएंगे कि ये जो वीडियो बनाते थे, जो प्रलोभन देते थे या जो धमकाते थे और गरीब हिंदुओं को ये निशाना क्यों बनाते थे, इनके आका विदेश में बैठे हैं, विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, इन सब बिंदुओं की जाँच की जा रही है। हमारे साथ अभी भी कानून मंत्री मौजूद हैं। सर, किसने ये रैकेट कहा जा रहा है कई वर्षों से काम कर रहा था और इसकी भी जाँच यूपी एटीएस कर रही, क्योंकि 2022 का चुनाव भी आने वाला, तो ऐसी साजिशें और आगे देखने को मिलेंगे। असल उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं तो कुर्सी के लालच में प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इस तरीके की घिनौनी हरकत को अंजाम देने का प्रयास उन लोगों ने किया है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, एटीएस को शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि उनकी सतर्कता के कारण एक बड़ी घटना होने से बच गई। दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इस षडयंत्र में जितने लोग भी शामिल हुए उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी जाँच चल रही है इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी अर्पिता यही कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है, कई चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं, लिहाजा अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, पिछले कई वर्षों से ये रैकेट चल रहा था और इसके जो विदेश में बैठे आका हो चाहे हिंदुस्तान में बैठे आका हो, सबको एटीएस के दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। हमारे साथ चंदन जजवाड़े भी इस वक्त मौजूद है दिल्ली में। चंदन, दिल्ली के जामिया इलाके से ही दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कब से वो वहां रह रहे थे, इनके संपर्क में और कितने लोग थे और कितना बड़ा ये गैंग था? देखिए, इस मामले में सारी जानकारी यूपी एटीएस दे रही है और यूपी एटीएस ने ये बताया है कि जामिया नगर से एक शख्स को जबकि दूसरे को पटला हाउस से, यानी कि दोनों ही इसी इलाके के आसपास से पकड़े गए हैं। अब पुलिस उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस का ये अनुमान है कि इस मामले में 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया गया है, यानी कि 2 से ज्यादा लोग इस पूरे गैंग में शामिल थे। पुलिस का दावा यह है कि इसे मुखबधिर लोगों को या जो गरीब महिलाएं होती थी उनको लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ये सब अभी तक केवल एटीएस के दावे हैं, वो दावे कहां तक पुलिस साबित कर पाती है आगे की बात होगी। लेकिन अभी इस मामले में तफ्तीश जारी है, पुलिस ज्यादा जानकारी दे नहीं रही है। पुलिस ने केवल कुछ सूचनाएं शेयर की है मीडिया के साथ। देखना होगा कि पुलिस के पास जो भी सबूत आए हैं उस सबूतों के आधार पर और कितनी ज्यादा गिरफ्तारी होती, पुलिस को और क्या क्या नई जानकारी मिलती है। रही जरा आप साथ। देखिए, यूपी एटीएस का ये दावा है कि ये लोग गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते थे और अब तक 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण ये लोग कर चुके हैं। यूपी पुलिस का ये भी दावा है कि ये दोनों जो शख्स जो गिरफ्तार हुए हैं, ये ज्यादा मूकबधिर महिलाओं को पैसे, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते थे। ये वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन, जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट, जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरक्त करते हैं। चंदन, देखिए, अब जांच आगे बढ़ रही है और जाहिर तौर पर और खुलासे और गिरफ्तारियां भी इस पर मुमकिन है। लेकिन जिस जगह से, जामिया नगर इलाके से ये दो शख्स पकड़े गए हैं,
आसपास के लोग क्या बता रहे हैं, कब से वो वहां रह रहे थे और क्या उसी इलाके में कुछ और भी ऐसे ही लोग जैसे ये दो छुपे हुए थे, कुछ और भी लोग ऐसे ही काम करते थे, ऐसे ही रह रहे थे? देखिए एटीएस का जहां तक एटीएस की बात है तो इस बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई, क्योंकि एक तरह से सेंसिटिव मामला है। पुलिस केवल अरेस्ट करके ले गई और उसी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कुछ जानकारी दी है। क्योंकि मामला दो राज्यों का, इसलिए दिल्ली पुलिस को भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। दिल्ली पुलिस को कुछ सबूत दिखा करके लोकल थाने से मदद लेकर के अरेस्टिंग हुई है, इसके अलावा ज्यादा जानकारी दी नहीं गई है। अर्पिता, यहाँ मामला ये हुआ था कि डासना में एक मंदिर में जबरन प्रवेश के मामले में एटीएस जांच कर रही थी, वो मामला कुछ और था। उसकी जांच के बाद ही पता चला कि यहाँ कुछ और रैकेट चल रहा था, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। तो एटीएस सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी जुटाएगी और पूछताछ के आधार पर ये तय हो पाएगा कि इस गैंग में अगर कोई ऐसा गैंग यहाँ पर एक्टिव था, काम कर रहा था, तो किसने लोग शामिल थे। उसके बाद फिर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अभी तक केवल ये सूचना मिली है कि गाजियाबाद में डासना में एक मंदिर में जबरन घुसने या मारपीट करने की वजह से दो लोगों को अरेस्ट किया गया था। दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिली थी, उसके बाद एटीएस की तफ्तीश यूपी में हुई है। अब देखना होगा कि उनसे जो जानकारी मिली है, जिस तरह से एटीएस दावे कर रही है कि हरियाणा के कई जिलों में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, नोएडा, कानपुर जैसे तमाम इलाकों में ये जो गैंग था वो एक्टिव था और कई लोगों का धर्मांतरण कराया। क्या दिल्ली में या दिल्ली के आसपास और इलाकों में इस तरह के काम हुए हैं, या जो वीडियो बनाया जा रहा था वो वीडियो किसे भेजा जा रहा था, इस पूरे गिरोह का सरगना कौन है, किसके कहने पर ये सब हो रहा था? एटीएस दावा कर रही कि फॉरेन फंडिंग हो रही थी, तो क्या फॉरेन फंडिंग इसी मकसद से हो रही थी? फॉरेन फंडिंग करने वाले आका कौन थे? इन तमाम चीजों की जानकारी सबूत के साथ पुलिस को देनी होगी। अभी तक केवल दावे किए गए हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा, जांच पहले आगे बढ़े, उसके बाद पुलिस अपनी तरफ से भी कई खुलासे